खबर राजधानी देहरादून से है, जहां प्रदेश में डेंगू की बढ़ती संभावनाओं के बीच जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा गया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में माइक्रो प्लान के अनुरूप डेंगू पर रेखीय विभागों को नियंत्रण बनाने रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसकी स्वच्छता स्वास्थ्य निदेशालय स्तर पर प्रत्येक दिन मॉनिटरिंग की जाएगी। इसी को लेकर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सीएस रावत का कहना है कि हमारी तैयारी काफी पहले से चल रही है, हम लोग इस पर अप्रैल से ही काम करना शुरू कर चुके हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि हमने हर वार्ड में आशाओं को सर्वे का काम करने के लिए लगाया हुआ है, नगर निगम के साथ मिलकर हम फील्ड पर कार्य कर रहे हैं और डेंगू को लेकर हम पूरी तरह से सतर्क हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, हमारी तैयारी तो काफ़ी पहले से चल रही है, हम लोग ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि इस साल तो हमने जो है अप्रैल से ही काम करना शुरू कर दिया था। हमने अप्रैल से जो लास्ट टाइम में हमारे हॉट स्पॉट्स थे और जो हमारे जहां भी हमारे 5 से ज़्यादा केस आए थे लास्ट टाइम में, उनको हमने हॉट स्पॉट माना है। तो लगभग वो हमारे 15-16 स्पॉट थे, तो वहाँ पर हमने जो है अपनी टीम द्वारा, IDSP की टीम द्वारा सर्वेलांस करवाया था। तो उसके बाद में हमने देखा कि उसमें उन क्षेत्र जो पिछले साल हॉट स्पॉट थे उनमें इस बारी कम लार्वा हमें मिला है। तो उसके बाद में जुलाई से हमने फिर आशाओं को जो है हर वार्ड के लिए डिप्यूट किया है, जो भी आशाएं जिस वार्ड में हैं वो उस वार्ड पे ही काम करेंगी, सर्वे करेंगी। जुलाई से हमारा सर्वे का काम शुरू हो गया और जुलाई से ही हमारे यहाँ पे जो है हर वार्ड के लिए एक वॉलंटियर भी डिप्यूट हुआ है, जिसका कि भारत सरकार के द्वारा जो है उनके लिए पैसा अप्रूव्ड है। तो अब हमारे देहरादून के जो है 100 वार्ड में और ऋषिकेश के 40 वार्ड में आशाएं काम कर रही हैं, वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, पेरीफेरी के हमारे जो नगर निकाय वाले क्षेत्र हैं वहाँ भी आशाएं जो है वहाँ के MIC के अंडर में काम कर रही हैं। तो वो जो है फील्ड में जाके, घर घर में जाके लोगों को डेंगू के बारे में जो है जागृत कर रही हैं और साथ में ही डेंगू के लार्वा को जो है नष्ट कर रही हैं। तो ये हम लोगों का ये कंटिन्यूस अब प्रोग्राम चल रहा है, कंटिन्यूसली काम चल रहा है।